जब नहर कंपनी जा रहा होता है तभी वह देखता है कि कार की टायर से हवा निकली हुई है और वह गेट के पास देखता है तो तभी अग्नि थरवसा जाती है क्योंकि अग्नि ही कार की हवा निकाल रही होती है और वह यह नहीं चाहती है कि नहर कंपनी पहुंचे और नहर वहां पर पहुंचकर काफ़ी परेशान होने लगता है क्योंकि वह यह देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि गाड़ी की टायर की हवा कैसे निकल गई है। तभी नहर के भाई छोटा भाई वहां पर आ जाता है और वह नहर से पूछने लगता है कि आप कहाँ पर है कंपनी नहीं गए हैं। तभी नहर अपने भाई से बोलने लगता है कि मेरी गाड़ी की टायर की हवा निकल गई है। तभी नहर का छोटा भाई नहर से बोलता है कि आप मेरे गाड़ी को लेकर के चले जाइए, हम इसे ठीक करवा करके आते हैं। तभी नहर काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि नहर ये नहीं चाहती थी कि नहर कंपनी जाए। जब नहर अपना छोटा भाई को गाड़ी लेकर जाने लगता है, कुछ दूर जाने के बाद जब नहर अपना छोटा भाई गाड़ी लेकर के जाता है तब वो बीच रास्ता से वापस लौट कर आ जाता है क्योंकि गाड़ी में तेल ख़त्म हो जाता है। और तभी और इधर नहर का छोटा भाई समीर वो मैकेनिक को कॉल करके बुलाता है और गाड़ी ठीक करने के लिए बोलता है। फिर नहर को देखकर समीर बोलने लगता है कि आप वापस आ गए। तभी वो बोलता है कि गाड़ी में तेल नहीं है। तभी समीर बोलता है कि दो दिन पहले ही फुल टंकी करवाए थे। तभी समीर जाकर देखता है कि तेल की टंकी की ढक्कन खुली हुई होती है। तभी समीर का छोटा भाई बोलता है कि शायद तेल इसी की वजह से ख़त्म हो गया होगा। तभी नहर बोलता है कि इतनी भी नहीं हो सकता कि दो दिन फुल टंकी इसके कारण ख़त्म हो जाएगी तेल। फिर नहर घर के अंदर चला जाता है। तभी नहर देखता है कि रूही बाहर घूम रही होती है। तभी नहर उसे समझाता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम जाकर आराम करो। तभी रूही बोलती है कि नहीं, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तभी बाहर घूमने के लिए आ गए हैं। तभी नहर बोलता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम ज़्यादा बोलोगी तो जख्म ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर बोलता है कि तुम्हें खाने पीने की टेंशन नहीं है, नहीं लेना है। तभी रानी बोलने लगती है कि माँ जी बोले हैं कि बिना तिलक को दिव्यम को इस घर से बाहर नहीं जाने देना है। तभी रानी उसे तिलक लगाने लगती है। तभी दिव्यम ने हाथ पकड़ लिया, ऊपर से राधिका भी देख रही होती है। दिव्यम ने खुद से तिलक लगा लिया और वो चला गया और राधिका को लगा कि रानी ने दिव्यम को तिलक लगाया है। तभी राधिका बाबूजी के पास जाती है जो कि वो बीमार हैं और उनसे बोलने लगती है कि आखिरकार ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। और बाबूजी बीमार होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पाते हैं। तभी माँ पीछे से आती है और सारी बात सुनकर राधिका को पकड़कर उसे ले जाने लगती है। तभी ले जाते हुए रास्ते में राधिका मिल जाती है और राधिका देखकर ये सब छुप जाती है और माँ जी राधिका को स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देती है और उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार तुमको ये सब कौन बतलाया और कैसे बतलाया। तभी राधिका बोलने लगती है कि हमें कोई नहीं बतलाया है, हमने खुद रानी जी से ज़बरदस्ती करके पूछे हैं।
और राधिका बोलने लगती है कि यह सब क्या सच है। तभी माँ बोलने लगती है, हाँ यह सब सच है, जब तुम छोड़ कर गई थी तभी तुम दिव्यम को मन से उतर गई है और वो फिर से मन नहीं जुड़ने वाला है, इसलिए वो दिव्यम ने शादी कर ली है रानी से। तभी राधिका बोलने लगती है कि यह झूठ है। तभी रानी गेट के पास आकर सुन रही होती है सारी बात। जब राधिका बोलती है कि यह हमने रानी से खुद जब बलजोरी करके पूछे हैं, तभी रानी यह बात सुनकर वहाँ से खुशी खुश होकर चली जाती है। और माँ ने उसे राधिका को स्टोर रूम में बंद करके चली जाती है। अब जहाँ एक तरफ राधिका ने नकली राधिका को कैद कर लिया है और उसे स्टोर रूम में बंद कर दी है, नकली राधिका ने स्टोर रूम से भाग चुकी है। और तभी राधिका को पता चलता है कि नकली राधिका इसी घर में छुपी हुई है। तभी राधिका उसे खोजने के लिए इस घर के अंदर जाती है। तब नकली राधिका ये देखकर असली राधिका को गिरा देती है। गिरने के उपरांत असली राधिका बेहोश हो जाती है। और वो जोर से चिल्लाते हैं। तभी दिव्यम ने इस आवाज़ को सुनकर घर के अंदर जाता है और वह देखता है कि राधिका गिरने के उपरांत बेहोश हो गई है और उसे दिव्यम उठाकर वापस लाने लगता है। तभी नकली राधिका को मौका मिल जाता है, वो और छुप जाती है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नकली राधिका और सुजाता नकली राधिका और सुजाता असली राधिका को इस घर से बाहर निकाल पाती है या नहीं। और दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि क्या राधिका नकली राधिका को पता लगा पाती है या कि नहीं, कि आखिरकार नकली राधिका को इस घर में मदद कौन कर रहा है। क्योंकि राधिका को ये मालूम है कि नकली राधिका को इस घर में कोई न कोई मदद कर रहा था, तब तो ये मेरे बारे में सारे बात जानती है। हम खाना बाहर से मंगवा देंगे, नहीं तो घर में बहुत सारे लोग हैं खाना बनाने के लिए। क्या अग्नि नहर को रोक पाएगी उसे कंपनी जाने से। और वही दूसरी तरफ नहर का छोटा भाई गाड़ी को बनवाकर आ जाता है और फिर नहर से जाकर बोलता है कि गाड़ी हमने ठीक करा दी है और आप कंपनी चाहिए। तभी नहर वहां से चले जाता है कंपनी। फिर अग्नि काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि अग्नि ये नहीं चाहती थी कि नहर किसी भी तरह से कंपनी जाए।